Hi, welcome to the moving vlog, the big move into our own first home. पर इस घर में भी दो साल रही हो तो थोड़ा ऐसा कभी कभी एक ऐसा आंसू प्रोड्यूस हो जाता है, बट हम लाइक नहीं, खुशी से जाना है नए घर में. तो काफ़ी अच्छा, लाइक 6-7 पीपल हैव कम, तो स्पीड तो काफ़ी फास्ट हो रही है. इट्स अराउंड 11 इन द मॉर्निंग, कुछ खाया नहीं है सुबह से. आई थिंक हर मूविंग व्लॉग में ऐसा ही होता है. तो आई एम थिंकिंग दिस इज अ गुड एक्सक्यूज टू हैव अ जावा चिप फ्रैपुचिनो, क्योंकि ऐसा मूविंग करते करते तो ऑफिस में बैठ के खा नहीं सकती, तो पीना ही पड़ेगा. सो या दैट्स नॉट प्लानिंग, बट हाँ, हॉल ऑलमोस्ट हो गया है एंड अभी एक एक रूम में थोड़ा टैकल कर रहे हैं. कंप्यूटर का मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है, तो मैं सोच रही हूँ खुद ही उठा के कार में रख देती हूँ, बट दैट्स द प्रोग्रेस. थोड़ा ना मैं काम डाउन हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ, बिकॉज अभी ना बहुत रश हो रहा है इमोशंस का, थोड़ा स्ट्रेस का, तो थोड़ा मेडिटेशन की जरूरत है. अच्छा चलो, आई शो यू व्हाट प्रोग्रेस इज हैपनिंग, क्या चल रहा है इधर. तो एज एंड एज द पैकेजिंग्स, वी आर राइटिंग ऑल्सो ऑन द बॉक्सेस की क्या है. सो दीज आर द क्लोथ्स विथ द हैंगर्स, तो पता चलेगा कि ये क्लोथिंग रैक में से निकले थे. और जो शूज तो मैंने पहले से ही रखे थे, कार्पेट सा पैक लाइक दैट. डाइनिंग टेबल तो लेके नहीं जा रही थी, वॉट एवर थिंग्स आई एम लिटिल पजेसिव अबाउट, वो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं खुद लेके जाती हूँ. तो शिफ्टिंग हैज बिगन, पैक हो रहा है बॉक्सेस में. थोड़ी बहुत और सफाई कर लेती हूँ यार, उसके बाद भी मैसे होने ही वाला है, बट वी शुड स्टार्ट क्लीनिंग. सो वेरी वेरी रिसेंटली आई गॉट द डायसन V15 वैक्यूम, आई हैव इट विद मी राइट हियर. इट्स लाइक माय पर्सनल लिटिल मशीन गन, बिकॉज दिस थिंग लाइक विच इज सो लाइट वेट, इट्स सो फ्रिकिंग पावरफुल. लेट मी शो द अनबॉक्सिंग, मैंने वो फिल्म करा था, बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक इट्स डायसन, हाउ कैन इट नॉट बी एक्साइटिंग. सो लेट्स अनबॉक्स इट एंड देन आई मीट यू अगेन. फर्स्ट ग्लांस में आई कैन टेल लाइक दिस इज प्रीमियम लुक एंड फील, एंड द मटीरियल्स यूज्ड फील सुपर सुपीरियर टू टच. I kid you not, it comes with 10 attachments, starting from the laser slim fluffy cleaner head, then there's a wand clip, digital motor bar cleaner head, dock station, hair screw tool, charger of course, combination tool, mini soft dusting brush, crevice tool and stubborn dirt brush. Assembling this is super easy, you don't really need help, and attachments nikalna aur lagana bhi kafi aasan hai. So there's no limitations now ki vacuum se ye ho sakta hai, wo nahi ho sakta, abhi to sab ho sakta hai. Plus this is so light and convenient compared to other vacuums. So the last one I used, I had to literally wear it as a backpack, and this is so light and cordless ki main pure ghar mein aaram se ghoom sakti hu without changing the plug point. Now for my favorite tool, because this made me so excited, as if like, you know, mast ko naya khilona mil gaya. So this is the laser tool. Koi bhi saaf dikhne wali jagah jo lagta hai ki oh this is squeaky clean, just use this tool on that and you will see all the hidden minute se minute dust particles, they get sweeped off in a second. It works on all surfaces, walls, cupboards, bathroom tiles, name it, and it's gonna clean that. But I love it with this feature. Last girl, I was using this to pick up my hair because बहुत सारे बाल थे नीचे. So this is great for pet hair as well, to pull up any long hairs. It has anti-tangle technology.
सो बाल ऐसे वो गुच्छू गुच्छू नहीं हो जाएंगे अंदर. लेट्स चेंज इट टू डीप क्लीन दिस होम मोड. ओके सो आई एम चेंजिंग इट. इट्स सुपर इजी. यहाँ पर जो रेड स्विच है ना, यू जस्ट प्रेस इट एंड इट कम्स ऑफ. और जो इसका पावरफुल हेड है, आई एम गोना जस्ट स्टार्ट विद दैट वन. This is a digital motorbar head. On the screen it shows all the different things, like of course the battery percentage and what kind of kachra is being sucked into it, all the levels, the gradations. It has different modes right here which you can change just with the click of a button. So eco mode pe zyada time chalega, like see 66 minutes pe aa gaya abhi. Then auto mode 33 minutes. And then we have the boost mode which is so, it's like a beast only in the boost mode. As easy as just pressing this trigger. So let's get going. Yaar, bahut kachra hai. Dekh ke thoda overwhelm ho raha hai. Let's start. There's an adjustment switch right here. So if there's aur bari kachra, then you can just put it on minus. That closes up this valve. And agar bade pieces hai, then just put on plus. This is the before. मतलब अभी इतनी धूल है कि चप्पल भी पहन के आना पड़ रहा है अंदर. बट आई थिंक आई एम गोना स्विच टू द कॉम्बिनेशन टू ना, बिकॉज दिस विंडो सिल इस पर भी इतनी सारी धूल है एंड नीचे भी ना दिस प्लास्टिक, बट दिस स्टिल धूल. सो आई थिंक फॉर दिस कॉम्बिनेशन टूल शुड बी अ गुड फिट. दैट्स द बिफोर. नाउ लेट्स स्टार्ट. It has literally started shining. It literally sucks up plastic pieces also. Look! And that's how clean the windowsill is now. That took less than a minute. Combination tool out. Mini soft dusting brush in. Thode se plants have come, so might as well dust them. A soft dusting brush attached directly on the machine should be like much more convenient. Shine karne lag gaya ye to. Even for TVs and all, this is a great tool. This is a crevice tool and it's amazing for tight corners, like all that kachra na. So the hairspray tool can directly be attached on the body and it's great to clean the sofa. So precise कि जो ऐसे crevices है ना, उसमें से भी it's picking up literally everything. And we're done. Cordless है तो किधर भी लेके जाने में it's easy. I don't really have to look for a plug point and wear it. So compared to other vacuums on the market, this can't be compared. It's a class apart. I'll show you कि इसको निकालने में कितना आसान है. रेड बटन मतलब डिटैचमेंट बटन. नाउ दैट दैट्स डिटैच्ड. वंस इट्स डिटैच्ड, बस ये रेड टैब को से पुल करना है एंड ऑल द कचराज आउट. स्लाइड इट बैक इन एंड इट्स गुड टू गो. डोंट माइंड माय अपीयरेंस. शिफ्टिंग के दिन हार कैसा होता है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने घर शिफ्ट किया. और ये मेरा चौथा मूव है, विच इज एग्जैक्टली व्हाई आई वाज लाइक बस अब रेंटेड घर से मैं तंग आ चुकी हूँ. बिकॉज एनी टाइम द ओनर्स आर लाइक ओके वी वांट टू कम हियर ऑन आवर ओन और वी वांट टू सेल द फ्लैट. सो इट्स बेटर कि अब हम खुद डिसाइड करें व्हेन टू अपग्रेड. सो देयर एनी टू पर्टिकुलर अटैचमेंट्स दैट यू यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, यू कैन यूज दिस मल्टी वॉन्ड अटैचमेंट टूल. सो इसमें यू कैन पुट अ वॉन्ड राइट हियर, जस्ट अटैच दिस ऑन योर डायसन. इधर एक और आ सकता है, सो यू हैव लाइक थ्री वॉन्ड्स विद यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. यू ऑल्सो गेट अ डॉकिंग स्टेशन विद दिस, ताकि एक ही जगह पे यू कैन कीप द डायसन चार्ज. बट आई एम गोना पुट दिस ऑन द वॉल आफ्टर घर बन जाए, बिकॉज राइट नाउ और सामान आना बाकी है, फिर उसको वॉल माउंट करना बाकी है. सो वी विल माउंट इट आफ्टर दैट. It works very very well on carpets as well. जो दिखने में लगता है साफ, but when you see the amount of dirt it picks up in it,
you realize ki haan, that's where all the allergies were coming from. But anyways, why I think the Dyson V15 is super worth the money is A, it's cordless, it's very efficient to use, it has super fast charging and it cleans very very quickly. You're self-reliant, you're not really dependent on anyone else because it's so ergonomic. Comes with multiple attachments with minimal maintenance and long runtime of 1 hour, and agar eco mode pe use kiya then even more than that. Also, it's very easy to reach difficult areas with this, like the windowsill and the ceiling and all, without any stool. So I love that about this. It's gonna be my one companion idhar, mera ek saathi idhar. So yeah, if you wanna check it out, I'm gonna link it in description box ekdam upar. But let's get back to moving. Papa. No reaction, dad. Why are dads like this? No reaction. Translation, he knows that much ki main haath mein nahi pakadti. Asli hota to. अपडेट तो ऐसा है कि द लॉक अंकल केम एंड वो लेके गए लीवर्स, बिकॉज नाउ दैट द सामान इज हियर वी आर डेफिनेटली चेंजिंग द लॉक्स बिकॉज वी डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू हैव एक्सेस. एंड जो हैंड ओवर में चाबी आता है वो तो यार सबके पास होता ही है एक्सेस उसका, तो वो लेके गए. इसलिए अभी घर बंद ही नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज नो लीवर्स ऑन द डोर. सो मैं और देशना बैठे एंड वी वर्किंग हैविंग लंच. वी आर जस्ट द टू ऑफ अस इन दिस हॉल फुल ऑफ फर्नीचर. थोड़ी सी थक गई हूँ, टू मच टू प्रोसेस ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो इट्स अ बिट टायरिंग. सो आई एम हंग्री नाउ, इसलिए आई एम वेटिंग कि खाना आएगा तो थोड़ा एनर्जी आएगा वापस. लॉक निकल चुका है और वही लॉक से ना मैंने वो दरवाजे को खुला रख के रखा है सो दैट डजंट बैंग एंड गेट डैमेज्ड. बट ऐसे हम नीचे जमीन पे बैठे. वी हैड ऑर्डर्ड नींबू पानी एंड दे गेव इट लाइक दिस, सो वी हैड एन एम्प्टी वाटर बॉटल. बस अभी वहाँ पे वापस लोडिंग कर रहे हैं फ्रॉम आवर ओल्ड ऑफिस, ओल्ड फ्रॉम आवर ओल्ड होम. तो मैंने सोचा चलो तब तक देख लेती हूँ क्या क्या आई कैन पुट इन द स्टोर रूम. आई वाज ओपनिंग द लगेज बैग्स एंड आई फाउंड सर्टेन क्लोथिंग आइटम्स जो मैं कब से ढूंढ रही थी. तो इन द मिडल ऑफ मूविंग मैं मेरी ड्रीम गोवा ट्रिप की पैकिंग करके बैठी है वापस. भाई मैं सोचूं कि मैंने इतनी सारी पैंट और जीन्स मेरी करंट साइज में ली थी, कुछ हुई ही नहीं रही है इधर ऐसा. हम ना थकान से थोड़े स्क्रू हमारा थोड़ा ये हो गया. These are huge mystery boxes that I have no idea कौन से बैग में क्या है. L खाली है, मतलब बैग के अंदर बैग. I just saw कि CS, no दिशा ने saw कि CSK के ऊपर एक पजल है इधर. So I was like, we have a lot of time. Now Rose and Pagal are परेशान कर रही है. They have not come since almost 3.5-4 घंटे now. I don't know what time is it. 5:30 बज गए. वो लोग 2:30 बजे के पहले निकले थे यार. तो now वो खुद ही कर रहे हैं अंदर sorting sorting. Many hours later. It's been a very long day. 15 घंटे आएगा सो चुका है ये सब करते करते. So now let's go back home and in the part 2 you're gonna see how I bring life to this home. Painting होगा या कुछ और जुगाड़ होगा that you're yet to find out. लेकिन सब लगाना, wall mount करना and how I'm gonna organize ये सब करेंगे साथ में. So a lot of relaxing time lapses. So even I'm gonna look forward to watching the vlog. बहुत सारे दिनों की मेहनत कुछ मिनटों में कैसे आ जाएगी. But yeah, this was the moving vlog. I hope you enjoyed watching it. मजा आया तो करो thumbs up and subscribe to our channel. Make sure to check out the Dyson V15 vacuum. I'll have link in the description box एकदम ऊपर. But if you did not enjoy watching this video, can you give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.